नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मार्केट में ओप्पो और वीवो कंपनी की हमेशा से ही कड़ी टक्कर रहती है। जब भी ओप्पो कंपनी अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने के बारे में जानकारी देती है, तो दोस्तों उसके साथ ही वीवो कंपनी भी अपने नए स्मार्टफोन को लेकर आ जाती है। तो दोस्तों, अब इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ओप्पो कंपनी अपने नए स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 3 प्रो को इंडिया में लॉन्च करने जा रही है, जिसके अंदर आपको बढ़िया और अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे। और यह स्मार्टफोन चाइनीज ओप्पो रेनो 3 प्रो स्मार्टफोन से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको उससे बढ़िया फीचर्स मिलेंगे। तो दोस्तों, अब इसी को देखते हुए वीवो कंपनी अपने नए स्मार्टफोन वीवो Z6 को लेकर आ रही है, जो कि 5G स्मार्टफोन होगा। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन को लेकर कंपनी ने लगभग सभी स्पेसिफिकेशन कंफर्म कर दी है और कंपनी ने स्मार्टफोन का एक टीजर भी जारी कर दिया है। और दोस्तों, यह स्मार्टफोन आने वाली 29 फरवरी को लॉन्च कर दिया जाएगा, जबकि दोस्तों ओप्पो रेनो 3 प्रो स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में 2 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, मार्केट में इन दोनों स्मार्टफोन की कड़ी टक्कर होने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन का कंपेरिजन करके बताएंगे कि इन दोनों में से किस स्मार्टफोन के अंदर आपको ज्यादा बढ़िया फीचर्स मिलेंगे, इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया रहेगा, और इन दोनों स्मार्टफोन की कीमत के अंदर कितना डिफरेंस हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन के लुक और इनके डिजाइन की, तो दोस्तों लुक और डिजाइन के मामले में दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल अलग अलग होंगे, क्योंकि दोस्तों ओप्पो रेनो 3 प्रो स्मार्टफोन के अंदर आपको ड्यूल कटआउट वाली पंच होल नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको ड्यूल सेल्फी कैमरा मिलेगा, जबकि दोस्तों वीवो Z6 मोबाइल के अंदर आपको दोस्तों पंच होल नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन का कैमरा सेटअप भी अलग अलग टाइप का होगा। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की, तो दोस्तों ओप्पो रेनो 3 प्रो स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी 6.5 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड ड्यूल कट आउट वाली पंच होल नोच डिस्प्ले देगी, जो की 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ होगी, और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 होगा, जो की 19 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगी। वही अगर दोस्तों वीवो Z6 स्मार्टफोन की बात की जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी 6.53 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड पंच होल नोच डिस्प्ले देगी, जो की 1080x2400 पिक्सल का रेजोल्यूशन के साथ होगी, और इसका स्पेक रेशियो भी 20:9 होगा। तो दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको लगभग 6.5 इंच के आसपास की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको सुपर एमोलेड का पैनल देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए ओप्पो रेनो 3 प्रो स्मार्टफोन की, तो दोस्तों स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी क्वाड रियर कैमरा सेटअप देगी, जिसमें आपको इसके बैक पैनल के ऊपर 64 MP, 13 MP, 8 MP और 2 MP का रियर कैमरा, और 44 MP और 2 MP का ड्यूअल फ्रंट सेल्फी कैमरा देगी। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए वीवो Z6 मोबाइल की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी 64 MP, 13 MP, 8 MP और 5 MP का रियर कैमरा और 32 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा दे सकती है। तो दोस्तों, रियर कैमरा के मामले में दोनों स्मार्टफोन सेम रहेंगे, लेकिन दोस्तों फ्रंट कैमरा के मामले में ओप्पो रेनो 3 प्रो स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। इसके अंदर आपको दोस्तों ड्यूअल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों यह दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसके अंदर आपको 44 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के वेरियंट्स के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए ओप्पो रेनो 3 प्रो स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को कंपनी मार्केट में 6 GB और 8 GB रैम के साथ लॉन्च कर सकती है, जिसके साथ आपको 64 GB और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए वीवो Z6 मोबाइल की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर भी आपको कंपनी 6 GB और 8 GB की रैम दे सकती है, जिसके साथ आपको 128 GB और 256 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको दो दो वेरियंट देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों ओप्पो रेनो 3 प्रो स्मार्टफोन को कंपनी मार्केट में 12 GB रैम के साथ भी लॉन्च कर सकती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए ओप्पो रेनो 3 प्रो स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 730G का चिपसेट दे सकती है, और यह मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया जाएगा, जो कि कलर ओएस 7 के ऊपर चलेगा, और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको एडिनो 618 का GPU देखने को मिलेगा। वहीं अगर दोस्तों वीवो Z6 मोबाइल की बात की जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 765G का चिपसेट देगी, और यह मोबाइल भी एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया जाएगा, और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको एडिनो 620 का GPU देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, प्रोसेसर के मामले में वैसे तो वीवो Z6 मोबाइल बढ़िया रहेगा, इसके अंदर आपको दोस्तों बढ़िया अच्छा पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए ओप्पो रेनो 3 प्रो स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी 30 वाट के वूक फ्लैश चार्जिंग 4.0 सपोर्ट वाली 4000 mAh की बढ़िया और अच्छी पावरफुल बैटरी दे सकती है। वहीं अगर दोस्तों वीवो Z6 मोबाइल की बात की जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी 44 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट
वाली 5000 mAh की बड़ी और अच्छी पावरफुल बैटरी देगी। तो दोस्तों बैटरी के मामले में भी Vivo Z6 मोबाइल बढ़िया रहेगा, इसके अंदर आपको बड़ी और अच्छी पावरफुल बैटरी देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं आपके लिए इन कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। दोस्तों वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको लगभग एक जैसे ही फीचर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों ओप्पो रेनो 3 प्रो स्मार्टफोन के अंदर आपको सेल्फी कैमरा 44 MP का मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि आप एक बढ़िया अच्छा सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप ओप्पो रेनो 3 प्रो स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।